नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा स्वागत करती हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू पे। आज हमारे साथ इस इंटरव्यू में दो बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर प्रोविंशियल सर्विसेज में बेहतरीन रैंक हासिल की है। मैं मिलवाना चाहती हूं सचिन अब्रॉल से, जो कि है असिस्टेंट कमांडर, और मैं मिलवाना चाहती हूँ साहिल अब्रॉल से, जो कि है जूनियर इंजीनियर जिन्होंने रैंक 5 हासिल की है। बहुत बहुत स्वागत है सचिन और साहिल आपका स्टडी आईक्यू पे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। और मैं अपने सभी दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि ये इंटरव्यू बहुत ही खास है, क्योंकि सचिन और साहिल दोनों सगे भाई हैं और दोनों ने इतनी बेहतरीन रैंक हासिल की है। साहिल ने रैंक हासिल की है 5 और सचिन ने रैंक हासिल की है 16। तो मैं तह दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप दोनों का, आप हमारे साथ स्टडी आईक्यू पे जुड़े। थैंक यू मैम। थैंक यू। अब सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ इंटरव्यू की, आप दोनों में से किसने किसको मोटिवेट किया इस एग्जाम के लिए? क्योंकि ये बहुत ही बहुत अलग सा फिनोमिना है कि दोनों भाइयों ने एक साथ ही एग्जाम लिखा और इतनी बेहतरीन रैंक के साथ इस एग्जाम को क्लियर किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं तो बड़ा हूँ, लेकिन मोटिवेशन जो बड़े भाई को देनी चाहिए वो शायद छोटे भाई ने दी थी। तो इट्स माय लिटिल ब्रदर जिसने कि मुझे भी मोटिवेट किया था, क्योंकि मैं मेरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रही है और मैं एक इंजीनियर ही था। तो लेकिन मोटिवेशन जो थी वो मेरे छोटे भाई ने मुझे दी थी। अब इसको मोटिवेशन कहाँ से है ये आप इनसे पूछिए। एक्चुअली मैम, एक्चुअली व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, सो जब मैंने अपने भाई के क्वालिफिकेशंस और उनका वर्क प्रोफाइल देखा, जो वो ऑलरेडी थे जूनियर इंजीनियर, तो मैंने उनको कहा कि यार जिस तरह से आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करी है, ऑलमोस्ट हमेशा मेरिटोरियस रहे हैं, तो मैंने कहा यू शुड ऑल्सो ट्राई फॉर सिविल सर्विसेज, राइट? सो ही टोल्ड मी कि नहीं, आई मतलब वी वॉन्ट यू टू बी सिविल सर्वेंट। सो आई आस्क्ड हिम कि भाई आप भी तो बन सकते हैं, व्हाई जस्ट ओनली वन, सो वी शुड ट्राई टुगेदर, राइट? सो ही अटेम्प्टेड द फर्स्ट टाइम इन 2016 and I was not eligible in 2016, so he gave the attempt and he missed out by just 5 to 6 marks from the interview. So that was also inspirational for me that you know even a first attempt you can go you know itna upar aap ja sakte hain. To fir hum dono ne collaboration ki padhai kari, hamra optional same tha, geography thi. So somewhere he told me ki aise aise karo, somewhere I told him ki aise aise karo, and with the God grace कभी कभी आपकी लक साथ में होती है तो आप साथ में जाते हैं। सचिन और साहिल, हमने आपकी स्टोरी सुनी कि किसने किसको मोटिवेट किया और ये मोटिवेशन कितना पॉजिटिव था, ये हम सभी के सामने है। सचिन, आपसे पूछना चाहेंगे, आप असिस्टेंट कमांडेंट थे, आप ट्रेनिंग कर रहे थे, तो हाउ डिड यू मैनेज दिस थिंग, हाउ डिड यू मैनेज द प्रिपरेशन, हाउ यू कोलैबोरेटेड विद साहिल फॉर सच एफिशिएंट प्रिपरेशन? या एक्चुअली मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, this was the most difficult thing in whole preparation, because when I started it in my college days, it was easy. You were doing your college studies, they are very normal, and you can find some time for the competitive exams. But when you are doing physical training as assistant commandant, then you have to utilize the micro minutes. You don't have hours for studies, right? So jo purana padha tha wo to definitely help karta hai, that act as a base platform, but your internal motivation, right? And your mindset should be like that कि आपको अगर lunch break है तो उससे पहले 30 जो आपको 30 minutes मिलेंगे है ना, for your own self changing and all thing, उसको utilize करें, lunch short करें, lunch के time पे आप news सुने, you know I used to watch the study IQ videos you know at 2x speed so that I can complete it faster, right? So these are the things you need to apply on the ground. So they were very very helpful, because definitely for the interview you need to inculcate the current affairs into you. So watching them and the way Prashant sir presents it, amazing. The whole study IQ team, to be very honest. So wo help kara, kyunki I was not able to read the newspapers during my training. So study IQ was the focus. Secondly, managing micro minutes, that's the second thing. And third thing is the motivation level. It needs to be at the top notch level. You have no time for waste. Even if you are sleeping, so you have to calculate in your mind, ki, yeah, 6 hours is enough. So, उसके बाद जो भी 1 घंटा बचता है स्टडी, सो दिस वे यू कैन यू हैव टू डू, एंड इफ यू आर गिविंग योर 100%, आई बिलीव दिस इज द 100%, राइट? इफ यू आर गिविंग इट, डेफिनेटली रिजल्ट्स विल कम।
बहुत ही बेहतरीन आपने बताया कि किस तरीके से आपने माइक्रो मैनेजमेंट किया। तो सचिन और साहिल, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और आपसे पूछना चाहते हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस किस तरीके से आपने इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की। तो मैम, जैसे कि प्री मेंस एंड इंटरव्यू, आप प्री और मेंस को नहीं देखिए, आप प्री मेंस एंड इंटरव्यू को देखिए, क्योंकि ये जो तैयारी है ये एक ही तैयारी है, आप इसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप मेंस के लिए पढ़ेंगे वही आपको प्री में भी काम आएगा और इंटरव्यू में भी काम आएगा। तो हमारी जो प्रिपरेशन थी वो ऐसे ही चलती थी, हमने कभी भी प्री को सोच के या फिर मेंस को सोच के या सिर्फ इंटरव्यू को सोच के प्रिपरेशन नहीं की है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने कोई भी टॉपिक करंट अफेयर्स का अगर किसी मैगजीन से पढ़ा है, किसी पेपर से पढ़ा है, वो पूरा पढ़ने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद मैं 5 मिनट का या 7 मिनट का स्टडी IQ का उस पे एक वीडियो देख लेता था। उससे क्या होता था कि जो मैंने पढ़ा होता था वो मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट के टाइम, जैसे होता है ना कंसेप्ट कोई आ गया यार, वो मतलब फलाना कंट्री का कुछ वैसा चल रहा है, क्योंकि जो अब जब आप वीडियो देखते हो ना, जब आप ग्राफिक्स देखते हो तो वो चीज आपके माइंड में स्टिक कर जाती है। तो वैसा ही मेरी ना प्रिपरेशन रही है, एंड आई वांट टू गिव माय मतलब होल हार्टेड मेरा थैंक्स ना स्टडी IQ को, जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं मेरा उनको। और ऐसा नहीं कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं ये बात बोल रहा हूँ, सही में आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, शायद तभी आपके इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उनमें से एक मैं भी हूँ। सो मैम ऐसा है। दूसरा ये है कि जब भी आपको तैयारी करनी है आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि मुझे जस्ट पढ़ना नहीं है, आई डोंट हैव टू रीड थिंग्स, आई हैव टू राइट देम आल्सो, क्योंकि जब आप राइटिंग में उसको लाओगे तो नोट्स मेकिंग आपकी साथ साथ में होती जाएगी, तो वो आपको चीज मेंस के टाइम में बहुत हेल्प करती है, दैट इज द थिंग। और थर्ड थिंग मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब आप नोट्स मेकिंग करें तो नोट्स को प्रिसाइज बनाएं, ऐसा नहीं है कि जो जो चीज आपको समझ आ जाती है, आपको याद है, या जो आपने 10th में या 11th में पढ़ी थी वो जब आप एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगी, उसको मत लिखो। जो चीज आप नहीं पढ़ रहे हो या जो चीज आप वैसी पढ़ रहे हो जो आप भूल सकते हो, उसी को नोट डाउन करो, छोटे नोट्स बनाओ, प्रिसाइज बनाओ, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। और बुक लिस्ट क्या, पढ़ना क्या, वो तो ऑलरेडी सारा कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे, आपको सिर्फ एक स्ट्रेटेजी चाहिए कि पढ़ना कैसे है। तो मुझे लगता है नोट मेकिंग और उसको प्रिसाइज फॉर्म में लिखना, दैट इज इनफ। थैंक यू। साहिल ने हमें बताया कि नोट मेकिंग कितना इम्पोर्टेंट है और प्रिसाइज नोट मेकिंग कितना इम्पोर्टेंट है। सचिन, आपसे पूछना चाहेंगे ये प्रिसाइज नोट मेकिंग का एक्सटेंशन। जी, एक्चुअली मैम, व्हेन यू मेक नोट्स ना, सो आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि 20% ऑफ व्हाट यू रीड इन द होल डे दैट शुड बी इन योर नोट फॉर्म, right? Not more than that, because if you are reading this much and you are making this much notes, it's useless, right? So 20%, and for condensing that 20%, you need to apply 100% of your mind whenever you are reading. So you have to chunk out the data. So the more you exhaustively you concentrate your studies on everyday preparation, right, the more quality notes you will make, right? Because you know that you have to make only 20% of the notes. So the point here is that you need to concentrate fully while making the notes. Don't make them peripheral notes. Ki haan, aaj maine ye line padhi, iska likh diya, kal maine ye padha, iska likh. No. When you are making, for example, you are reading about judicial activism, right? You know the concept, then you have to find the examples ki wo kahan kahan se hai. Search the web, write 2-3 examples. This is where it is complete, right? So you have to go like that, not the contrary ki aaj maine judicial activism ke baare mein padha, 10 din ke baad uski example quote kari. It's outdated. This will not going to help you a lot. So the point is 20% of what you study. First thing is, this comes in precise note making. The second thing is the space. I don't know it works with people or not, but for me, it works because I used to make very, very concise notes, like in less space, right? Like this paper I'll show you. This is one paper, right? This is one paper. This is very famous in Delhi, but most of people, those who are in rural areas, they don't know. So you have to fold this paper, right? Then there are 4 sides, 1, 2, 3, and 4, right? So you have to utilize first this side, then that, then this and that. You know, when you write small and you write condensed in condensed form. So I remember when I was preparing for this exam, I made the notes of approximately 12 months of current affairs, right? And it was concise in just 40 pages, right? So that's a psychological barrier that you have to read only 40 pages for a preparation. So you can revise them multiple times, right? But if you have like 400 pages,
you won't be able to revise. At least you will revise it only for ek bar, do bar. But when you have just 40 pages, right? Believe me, psychologically it will reduce your pressure, right? Ki 40 pages padhne hain. So this way you have to go. First, concise. Secondly, in space wise also reduce it. And take my word. What are the exams I have given till now? I have applied this trick. This is my personal trick. I have kafi sources se maine liya, lekin jo maine finally ispe invest kiya apna time, always fruitful. I can assure you, always fruitful, right? So this is the thing. But the third thing that comes along with note making, did not ask me this question. I want to continue with that. Ki revision. How to revise them? So you have to revise it 3 times. That's it. Whatever the notes you are making, revise it 3 times. Before the exam, when you get the dates, like for mains or for interview, revise it, right? But just one more addition I want to add. You know, once you made these notes, right, and you know that you have qualified the prelims, you are preparing for the mains, right? So, jab aapko pata hai ki mains hai aur mere paas notes bhi hai, then you have to make micro notes. It means you already have the notes, but you have to make it convert into 2 or 3 pages because you know in mains you have one day mein 2 paper hote hai, right? So you cannot read. Even in fact, the 40 pages are also right. So, wo just 1 to 2 hours before the exam, wo do se teen page honge, you have to just write the keywords. That's it, just the keywords. So, this way, your answers, the quality of the answer in the mains, it's going to be phenomenal. I mean, seriously, this is, I think, everything, rest, everything, you know, yeah, is available in the market. But this thing definitely works. This works with me, this works with my brother. And I hope this will work for others also as well. Definitely, this strategy will work for many others. आपने बहुत ही effectively बताया कि precise और concise note making कितना important है. अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं general studies की. तो general studies की एक overall strategy क्या होनी चाहिए aspirants के लिए? मैम देखिए कि GS के 4 papers हैं and they are very scoring. लेकिन ऐसा है कि ओवर द इयर्स हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है. वी आर मूविंग मोर टुवर्ड्स द डायनामिक पार्ट, मतलब करंट अफेयर्स को रिलेटेड जो भी चीज होगी वो बड़ी ज्यादा आ रही है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग स्टैटिक पार्ट को छोड़ दें और जो भी करंट अफेयर्स का मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में वो उठाया और पढ़ना शुरू हो गया. वैसा आपसे नहीं हो पाएगा क्योंकि द पॉइंट ऑफ दिस होल एग्जामिनेशन ना इज हाउ आप कितना ज्यादा याद रख पाते हो, हाउ मच यू कैन रिमेंबर, और उस दिन जाके आप कितना वॉमिट करते हो वहां उस ना टाइम पे, दैट इज ऑल दैट मैटर्स. तो उसके लिए आपको ऐसा है कि आप सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, आपको पता है नहीं कि मतलब बैकग्राउंड में क्या हुआ था. सो दैट वे इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू ऑल, इट इज टू बी फ्रेंक, टू बी ऑनेस्ट विद ऑल यू. तो आपको क्या करना है, जो बेसिक बुक्स हैं वो तो आपको पढ़नी है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे ना GS 4 पेपर जो था एथिक्स में, उसमें हमारी स्टेट में भी मतलब PCS में मेरे ना हाईएस्ट मार्क्स थे, इट्स 171 आउट ऑफ 250. तो आई कैन उसी की एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता सकता हूँ. मेरी उस पेपर के लिए ये थी स्ट्रेटेजी कि बेसिक बुक तो पढ़नी है, और मुझे ये पता था कि जो एथिक्स पेपर 4 है इट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट, द एग्जामिनर देयर इज वांटेड टू सी दैट हाउ यू थिंक. तो मुझे अपनी थिंकिंग को ही शार्पन करना है. तो उसके लिए मुझे ज्यादा बुक्स में नहीं जाना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा केस स्टडीज पढ़नी है कि किस किस टाइप की केस स्टडीज, किस किस टाइप के, या और अगर आपके पास टाइम है तो आई विल रिकमेंड यू कि आप जो IAS ऑफिसर्स हैं या जो IPS ऑफिसर्स हैं जो रिटायर्ड हैं, आप उनसे मिलिए, उनके एक्सपीरियंसेस को आप थोड़ा सा शेयर करो, क्योंकि वो आपकी जो एथिक्स के लिए जो आपकी जो भी स्टडी है ना उसमें प्रैक्टिकलिटी लाता है. क्योंकि जब आप लिख रहे हो कोई भी चीज, आपको कोई भी ना वो आती है केस स्टडी, आप उसका आंसर लिख रहे हो, जो एग्जामिनर बैठा हुआ है ही इज मोर इंटेलिजेंट देन यू, वो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसको पता है कि इस बच्चे ने अपने से लिख रहा है या इसने लेक्सिकॉन को कॉपी किया या इसने विजन का कुछ कॉपी करके आया हुआ है, ठीक है, तो उसको पता है. लेकिन जब आप रियल टाइम एक्सपीरियंसेस लोगे, रियल टाइम सोचोगे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कहीं पे ना फेस्टिवल होता है या कोई ना फंक्शन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करती है, तो उसका क्रक्स में जाइए कि वहां पे क्या हुआ, एक ब्रॉड वे में एस्पेक्ट आपके माइंड में होना चाहिए. या फॉर एग्जाम्पल कोई DC है, डेप्यूटी कमिश्नर है, या कोई ऐसा ऑफिसर है जो एग्जाम्पलरी है, जिसने बड़ा अच्छा काम किया अपने एरिया में, तो उसकी एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो. जब एग्जाम आएगा ना, और अगर योर लक प्रिवेल्स और वैसा ही कुछ वहां पे आ गई केस स्टडी, तो आपको उसमें फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपका जो भी केस स्टडी का आंसर होगा वो बाकियों से बिल्कुल अलग होगा, योर डायमेंशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट.
सो दैट विल हेल्प यू अलॉट. और मेरे साथ तो यही हुआ है क्योंकि मैंने इसको ऐसे ही पढ़ा है, बेसिक्स मैंने सारे पढ़े हैं एंड आई विल मैक्सिमम फोकस जो मेरा था वो था केस स्टडीज पे. दूसरी चीज ये है कि केस स्टडीज जो है वो हाफ ऑफ द पेपर है, इट ऑलमोस्ट हैव 120 मार्क्स. तो वो भी आपको हेल्प करेगा कि यार अगर आप वो वाला पार्ट आपका क्लियर होता है तो इट विल हेल्प यू. अभी हम बात करते हैं जीएस पेपर थ्री की. तो जीएस पेपर थ्री में साइंस एंड टेक रहता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो दैट इज ऑल द करंट अफेयर्स. वो तो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स है. तो जैसे वो टॉपिक है तो उसके लिए आपको ट्राई करो कि जैसे द हिंदू है उसका जो आता है साइंस, उसको आप पढ़ो पढ़ो. पेपर को आप मिस कर सकते हो क्योंकि मेरे से भी हुआ है, लेकिन साइंस एंड टेक के लिए आप वो पेज को मिस नहीं कर सकते. उस पेज को आपको कभी मिस नहीं करना है क्योंकि पता नहीं जो आपने मिस किया वहीं से क्वेश्चन आ गया तो आपकी पूरी की पूरी मेहनत वहीं पे फेल हो जाएगी. तो वो स्ट्रेटेजी, मतलब आपको ना स्मार्ट स्टडी करनी है. पेपर को ऐसे नहीं है कि कहां पे एक्सीडेंट हो रहा है वो आप पढ़ते रहो, कहां पे क्या हो रहा है वो आप पढ़ते रहो, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. जो भी पढ़ना है इंपॉर्टेंट पढ़ो. और हाँ, नोट मेकिंग तो इसके साथ चलेगी. ये जितने भी लोग इसको ना सुन रहे हैं वीडियोस को, आप सबके लिए ये एक लाइन है मेरी, क्योंकि हमारा थोड़ा सा आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है. तो ये एक लाइन है कि यूपीएससी या पीसीएस के लिए कुछ भी पढ़ो, उसकी नोट हमेशा बनाओ. विदाउट नोटिंग मेरे फ्रेंड आप जितना भी पढ़ लो कुछ नहीं होगा. इट्स क्योंकि मैंने ट्राई करके देख लिया और एक बार नहीं होता. तो नोट मेकिंग इज द क्रक्स. ये पूरी पूरी स्ट्रेटेजी का क्रक्स है. रिविजन इज द सेकेंड पार्ट. ठीक है, तो ये आपको मतलब स्टैटिक भी पढ़ो लेकिन और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स को रिलेशन में पढ़ो. ऐसा नहीं है कि तुम आज स्टैटिक पढ़ लिया और करंट अफेयर्स तुम पढ़ ही नहीं रहे, या जब करंट अफेयर्स किया शुरू तो पता लगा कि 5-6 महीने का इकट्ठी उठाई फाइल और पढ़ना शुरू कर दिया. वैसा नहीं चलेगा. मंथली मंथली पढ़ो, डेली पढ़ो, जो टॉपिक है रिलेट करो और अपना दिमाग का इस्तेमाल करो. यही सारा कुछ चाहिए. और रिविजन तो है ये, तो दैट्स इट. जीएस पेपर के लिए यही स्ट्रेटेजी है. और इसके अलावा अगर कुछ है तो मेरा भाई ऐड कर सकता है. नहीं मैम, इसमें ऐड करूंगा मैं कि ये सब कुछ जो बिगिनर्स हैं उनके लिए हेल्प करेगा, लेकिन मोस्टली जो सीरियस एस्पिरेंट्स दे नो द कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट. कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑल द जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 जितने भी टॉपिक्स हैं, जितना भी सिलेबस में मेंशन करें टॉपिक्स, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है भाई इस टॉपिक का. फॉरगेट अबाउट द करंट अफेयर पार्ट, फर्स्ट द टॉपिक्स, द क्लैरिटी ऑन द टॉपिक्स. द फर्स्ट थिंग इज दिस, बिकॉज वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं उसके ऊपर एडिशन होती है. सो इफ यू नो द क्लैरिटी यू कैन आंसर इट एंड दे ऑल्सो डोंट रिक्वायर टू बी जीनियस ऑन दैट टॉपिक, राइट? सो उतना चलेगा. बट द सेकंड थिंग इज करंट अफेयर्स. अब करंट अफेयर्स का योर सोर्सेज नीड्स टू बी लिमिटेड, राइट? बेसिक बुक्स में आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि पीपल नो, लाइक फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, यू नो, स्पेक्ट्रम से पढ़नी है, ठीक है, और ओल्ड एनसीईआरटी, एंशियंट पढ़नी है, सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं, मिडिवल को छोड़ देना है, ज्योग्राफी है, 11, 12 एनसीईआरटी पढ़नी है, कोचिन योंग पढ़नी है अगर आपको अच्छे से समझना है, उसके बाद एथिक्स है, लेक्सिकन की बुक से पढ़ना है, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी है, देयर इज अ बुक फ्रॉम द आईपीएस ऑफिसर की बुक है. मतलब पॉइंट इज दे नो द बुक लिस्ट. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट, आई ऑल्सो स्टडीड द सेम थिंग्स, नथिंग न्यू, बट द पॉइंट इज हाउ आई स्टडीड. तो उसमें जो मैं बताना चाहूंगा कि जब हमने कॉन्सेप्ट सारे के सारे पढ़ लिए सिलेबस के, तो उसमें आपको ऐड क्या करना है, जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, ठीक है, यू शुड नो कि इस टॉपिक का के रिलेटेड मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ, बिकॉज देन ओनली योर माइंड विल इंटरकनेक्ट द टू थिंग्स एंड इट विल अप्लाई इट ऑन द पेपर. पीपल समटाइम्स, यू नो व्हाट रियली हैपेंस इन द इनिशियल फ्यू इयर्स, कि यू स्टडी द कॉन्सेप्ट, यू नो द कॉन्सेप्ट, यू स्टडीड द करंट अफेयर, यू नो द करंट अफेयर्स, बट वेन यू राइट इन द मेन्स यू डोंट एबल टू कनेक्ट इट, राइट? दिस इज वेरी सिंपल थिंग, बट पीपल डोंट एबल टू कनेक्ट इट ऑन दैट टाइम. आफ्टर द एग्जाम दे नो यार ये भी तो डालना था. This thing should not happen. So the important thing is clarity of the concepts. Second, application of the current affairs in the paper, right? You know the current affairs, but you have to apply them on the ground also. So for that, I already told you note making is important, but you should have conceptual clarity on the GS topics. So I think this is the integrated approach. Once you will go by that way, you will also feel the confidence. Every single day, you will feel the confidence because this is quality studies. You will love it. So that's it. Conceptual clarity प्लस इंटीग्रेटेड स्टडीज, ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप दोनों ने बहुत ही अच्छे से इसे डिफाइन किया. अब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो आज इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं. तो इस टाइम में एस्पिरेंट्स को अपने सोर्सेज किस तरीके से लिमिटेड रखने हैं और स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना है इस एग्जाम के लिए. On the sources, because I practically know कि आप कोई भी source पढ़े, you know, people say read polity,
but there are people who say read D.D. Basu, right? Both the books are actually going to help you in the exam. There is not like that only Lakshmikant will help. No, the way you read it and the how much faith you have on the book. Because if you believe on that book that this is going to be my limited, this is the only book I'm going to limit myself and I will read it 3 to 4 times, then it becomes your good book, right? But if you're reading Lakshmikant for one time and you think you know everything, then it's a big lie, right? So the point is you need to believe that whatever the sources I am using, they are going to help me in the exam. And the next level is read them again and again, right? This is the key. So this is the very golden point, right? And I forgot your question. Sorry. I completely forgot your question. I can add something onto that. Jaise ki bada kuch available hai. Har ek bande ko pata hai. प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है हम जब भी कोई सोर्स पढ़ते हैं हमें लगता है कि यार यहीं से पेपर आ जाएगा सारा. आपको अपने माइंड में ये ना लेके चलना है कि जैसे आप कोई भी सोर्स उठा लोगे ना कि यार यहां से पढ़ लूंगा तो सारा आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा कभी भी. बिल्कुल सही इसने बोला कि आपको फेथ होना चाहिए. और मैं आपको यही बोलूंगा कि ऑलवेज स्टिक टू वन टाइप ऑफ नोट्स. उसका फायदा क्या होता है मैं आपको वो करूंगा एक्सप्लेन. देखो जब एक इंस्टीट्यूट अपनी मंथली कोई भी मैगजीन निकालता है, आई पर्सनली मतलब मैं ना विजन आईएएस को यूज करता था, तो यू कैन गो बाय एनी मैगजीन. पर मैं आपको ये चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूट एक मंथ में एक मैगजीन निकालता है करंट अफेयर्स की, नेक्स्ट मंथ वो जब दूसरी मैगजीन निकालेगा ना, इफ एनी बाय चांस उन्होंने पहले मंथ में कुछ मिस कर देगा, वो उसको दूसरे मंथ में ले आएंगे, ठीक है, वो उसको थर्ड मंथ में ले आएंगे. आपको सिर्फ ये कि आपको उसको उसके साथ ना स्टिक करना है. लेकिन अगर आप ये करोगे कि पहले मंथ आप विजन में चले गए, दूसरे में आप चले गए बायजूस के साथ, और तीसरे में चले गए आप वाजीराम के साथ, तो ना आपको समझ आएगी ना आपसे कुछ होगा. क्योंकि जो लोग इसको लिख रहे हैं ना वो इस हिसाब से लिखते हैं तो ताकि आपको भी समझ आए, क्योंकि आपको चीज समझने के लिए भी टाइम चाहिए होता है. कि जो बंदा इसको इस ना फॉर्मेट में लिख रहा है मेरे को 1 या 15 दिन के बाद ही समझ आएगा. तो आप जब उसके साथ स्टिक कर जाओगे तो आफ्टर 6 मंथ्स आपको जस्ट एक रीड करना है, आपको समझ आता जाएगा कि यार इसने ना जैन में ऐसा दिया था, हाँ मार्च में ऐसा हुआ और अब मई में ऐसा चल रहा है. तो वो आपको बड़ा एक लिंक रहेगा. तो ऑलवेज स्टिक टू वन टाइप ऑफ नोट्स. और मैं सबको बोलूंगा कि जैसे कि ना स्टडी IQ है, इसको फॉलो करो. क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा फॉलोअर्स किसी के ऐसे नहीं आ सकते फालतू में. उन्होंने कुछ मेहनत की है उस पे, वो अपने बिल्कुल हार्डवर्क से नोट्स बनाते हैं. वो आपके 3-4 घंटे की मेहनत को 7 मिनट में आपको बता देंगे कि भाई ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है. वो आपको पास्ट भी उस ना टॉपिक का बताते हैं और फ्यूचर भी बता देते हैं और प्रेजेंट क्या चल रहा है वो भी सुनाते हैं. तो मैं ये करूंगा रिकमेंड कि अगर कोई भी टॉपिक, लेट अस सपोज आप किसी एक बुक को फॉलो कर रहे हो, एक ना करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हो, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता, तो ये नहीं कर देना कि गो टू अनदर करंट अफेयर्स बुक, मैं वहां से पढ़ूंगा. डोंट गो दैट. वो टॉपिक को आप नेट पे सर्च करो, यूट्यूब में जाओ, स्टडी आईक्यू में जाओ, देखो उन्होंने क्या उसके बारे में बोला है, उसको पढ़ो, आपको बड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा. वही स्ट्रेटेजी रखना, चेंज मत करना. और इलेक्ट्रॉनिक इतना ज्यादा मटेरियल है ना कि अगर आप उसमें चले गए ना तो पेपर तो क्या आपसे एक कुछ भी नहीं निकलेगा, आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैं पढ़ूं क्या. ये बहुत खराब चीज है क्योंकि इतना ज्यादा हो गया मटेरियल. ओके, सो आई वांट टू जस्ट रिफाइन इट द व्हाट माय ब्रदर सेड. कि यस, द पॉइंट फर्स्ट थिंग इज लिमिट योर सोर्सेज. लिमिट कैसे करना, यू हैव टू सेट योर ओन लिमिटेशंस कि भाई इतना ही पढ़ूंगा मैं. आई हैव द कैपेसिटी टू रीड ओनली 12 मैगजीन फॉर 1 ईयर, सो आई विल रीड ओनली दैट. आई हैव टू वॉच डेली करंट अफेयर वीडियोस ऑन द स्टडी IQ, सो आई विल ओनली लिमिट टू माई सेल्फ देयर ओनली, राइट. आई हैव टू रीड लक्ष्मीकांत, सो आई विल लिमिट इट ओनली. बट द पॉइंट हियर इज द कैच इज नॉट हाउ मच यू रीड, नो, हाउ मच टाइम रिविजन. दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग. पीपल थिंक कि हाँ टॉपर्स ऐसे ही बोलते रहते हैं, बट नो, रिविजन इज द की. In fact, I will say read less but revise more, right? Simple 4 words, read less, it's completely okay, but revising it more and more is going to help you, right? So I think the people can understand my point now very well. Definitely revision is the key. Revise will lead to the successful result in the examination. Yes. हमने general studies, current affairs की बात की, अब हम बात करते हैं optionals की. आप दोनों का optional था geography, तो आप हमें बताएं कि आप दोनों ने कैसे एक साथ तैयारी की अपने ऑप्शनल की, और क्या जनरल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ऑप्शनल को टैकल करने की. मैम, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स वेरी लेंथी ऑप्शनल. इट्स इजी बट इट्स वेरी लेंथी, राइट. बट द पॉइंट इज पीपल थिंक कि जस्ट बिकॉज इट्स इजी है ना,
and you think ki GS mein bhi aata hai, so they people took it, right? No, the point is you need to have conceptual, crystal conceptual clarity. You should be very, very clear with its concepts, because now most, every second or third guy has geography, it's optional. So how you will get better marks? The point is this, the catch is this. So the point is conceptual clarity on the geographic topics, right? This is the first thing. Second, use the geographic keywords. The checker is always going to be the geographer only. He is going to be a professor. So he wants to see whether the students have in-depth knowledge. Is he using the geographic keywords or not? He is not going to be something, XIES who will check your paper. So you should be very, very clear with that. Okay, so the second thing is keywords. Third thing is diagrams. I mean, I will say, jo agar books pe milti hai diagrams, use it in the mains. But agar aapko books pe nahi milti hai, then innovate. Innovate your diagrams, right? Because you will not get as much time, in the mains to write the answer. So the point is, show it with the diagram. If you're not able to make the diagram, then make a schematic or a flow chart, right? This is going to help you in the exam. Geographic, we'll see. It is easy. That's why I'm not focusing on the books. It's available in the market. People know. For example, Savindra Singh, all the physical geography, right? D.R. Kuller for India. If you want to go by the notes, Shabir Singh sir's notes are there. Neetu ma'am's notes are there. ALS notes are there. You know what I did personally? I took all the notes. I make the notes out of these three people notes, right? So I had this, I told you the strategy of concising it into approximately 100 pages. Then I make the micro notes into 7 to 8 pages for my mains before the day, right? Before the doomsday. So this is the way I studied it. Now if he wants to add, he can add. I can only add one thing, that I'm an engineer. I can follow well. So he's of a geography background. He makes all the notes. I just follow him. And I have done that very nicely. Okay, so one more thing I want to add, one serious thing for the geography students. When you write the answer, make sure first you put the schematic first, or the flow chart, or the answer of that question first. Make it in the center, right? Keep the space for the introduction. Keep it in the center and write it in bullets. Okay. This way, what will happen? The psychologically, how it will help you. Whenever there is a question, first you need to put the diagram into it, right? Then you will have more time, for answering it. Because now you're not thinking, you know that you are watching the diagram and you're writing it, just feeling the paper, right? You know the central idea is in the diagram. And the examiner, when he will see it, he will directly see the diagram. He knows that, this guy has mentioned the things, test the things in the diagram. So now he's going to give you the marks. This is how it works, right? This is psychological. More than your knowledge, you are showing you are playing with the psychology of the checker. So this is going to be very, very helpful. Whenever you are answering a question, whether it's mains or it's geography optional, first make the diagram. I remember in all my answers, I have at least one schematic or flowchart or a diagram. So you can understand the importance of these three things in your answers. डेफिनेटली आपने बताया कितना इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स को यूज करना अपने पेपर्स में और वो एग्जामिनर की साइकोलॉजी के साथ खेलना तो शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सभी एस्पिरेंट्स को नोट करना चाहिए और अपने एग्जाम में इसे यूज डेफिनेटली करना चाहिए साहिल से पूछना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने मेन्स पेपर में हाइएस्ट मार्क्स सिक्योर किए हैं आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी क्या रही और कब से आपने इसे प्रैक्टिस करना शुरू किया आंसर राइटिंग को बेसिकली मैंने आफ्टर माय प्रीलिम रिजल्ट्स के ही शुरू किया था उसी टाइम शुरू किया था लेकिन ऐसा है कि नोट मेकिंग मेरी बड़ी अच्छी थी जो मेरी नोट मेकिंग थी दैट इज वेरी गुड और मैं उसमें पूरा टाइम लेता था जब भी मैं अपने नोट्स बनाता था आई थिंक अ लॉट और उसके बाद ही मैं अपने वो बनाता था नोट्स आई डोंट हैव नोट्स विद मी अगर होते तो मैं आपको दिखाता कि कैसे मैंने प्रिसाइज वो करके नोट्स को समराइज किया था और अगर किसी को चाहिए होगा वो ना कमेंट में डाले आई कैन पुट अ पिक ऑल्सो ताकि वो देख पाए नो जो आपको आंसर राइटिंग है ना वो की है मुझे आज भी याद है जब मैंने अपनी आंसर राइटिंग शुरू की थी तो मैं वैसे ही लिखता था जैसे हम अपने एग्जाम टाइम में लिखते थे ना ट्वेल्थ में या अपने कॉलेज टाइम में कि या मतलब हिस्ट्री लिख देनी कोई भी क्वेश्चन है पढ़ना नहीं समझना नहीं क्वेश्चन की वो पूछ कह रहा है मतलब उसका क्या माइंड सेट है वैसे ही लिख देना
तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप शुरू करोगे आंसर राइटिंग करना, तो माय फ्रेंड्स फोकस ऑन द क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन को 10 बार पढ़ो, डोंट गो फॉर आंसर राइटिंग फर्स्ट, मैं पढ़ा तो शुरू कर दिया, नहीं उसको 10 बार पढ़ो, क्योंकि जब आप उसको 10 बार पढ़ोगे ना आपको समझ आएगा कि वो पूछना क्या चाहता है, और जब आपको वो समझ आ गया ना कि वो पूछना क्या चाहता है, तो आप उसको बड़े इफेक्टिवली तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि मेरे ना भाई ने बताया कि डायग्राम्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ही इज वेरी, मतलब वो बड़ा राइट था। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताऊंगा, जब आप किसी चीज को 10 बार पढ़ोगे आपको समझ आएगी कि वो पूछना क्या चाहता है, आप क्या करो, जो वो पूछना चाहता है उसको रफ में फटाफट लिख लो कि यार इसने इसके ना बारे में पूछा, या मतलब इसने एलपीजी के बारे में पूछा ना, अगर तो फटाफट लिख दो कि कौन से प्लान में आया था, क्या बैकग्राउंड था, मतलब सिर्फ टाइप द वर्ड बैकग्राउंड लिखो, सिर्फ बैकग्राउंड एलपीजी रिफॉर्म्स ईयर, और लिखो बेसिक कॉन्सेप्ट। जब आप ये चार चीजें लिखोगे ना, उसके बाद आंसर राइटिंग में शुरू करो, और आप उस पर देखो, जब आप पढ़ोगे ना बैकग्राउंड वर्ड, आपका दिमाग खुद करेगा क्लिक कि बैकग्राउंड में ये था, फिर उसको पढ़ो ईयर, आपका दिमाग खुद बताएगा कि ये वाला साल था, फिर पढ़ो कि उस टाइम व्हाट आर द कंडीशन, मतलब उस टाइम क्या उस टाइम हुआ, जस्ट आप वर्ड पढ़ो, आपको आपका दिमाग खुद बताएगा कि लिखना क्या है। तो इससे आपका एक तो टाइम बचता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, कोई भी अगर सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, टाइम मैनेजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि आप इसको छोड़ नहीं सकते। एक बात मैं आपको और भी ना बता दूं, और ये फेयर के लिए नहीं, आप में डर के लिए नहीं है, ये है कि यूपीएससी हो या पीसीएस हो, 3 घंटे में 20 क्वेश्चन को आपको लिखना है, तो मेरे फ्रेंड्स आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता, आपको सिर्फ लिखने का टाइम मिलता है वहां पे। अगर आपका दिमाग क्लियर होगा, आपने आंसर राइटिंग अच्छे से की होगी, जैसा मैंने आपको ना बताया ना, मे बी आपको ना शुरू में एक आंसर लिखते 2 घंटे लग जाए, वो 2 घंटे लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 1 महीना उसको करोगे ना प्रैक्टिस, 1 महीने के बाद वही आंसर आप 1/2 घंटे में आ जाओगे, 2 महीने प्रैक्टिस करोगे वही आंसर आप 15 मिनट में लिख दोगे, और जब जिस दिन यूपीएससी में बैठोगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने 20 क्वेश्चन 3 घंटे में करके आप आ जाओगे, आप बोलोगे यार मेरे लिए तो ईजी था, लेकिन वो ईजी नहीं था, वो आपकी पीछे 3-4 महीने की प्रैक्टिस थी। सो आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको करना कैसे है, प्रॉब्लम सिर्फ वहां आती है, हर क्योंकि हम सारे ना ग्रेजुएट हैं, यूपीएससी ने जो ये बनाया पेपर वो एक ग्रेजुएशन लेवल पे बनाया, तो ग्रेजुएट पे कोई भी ना पागल नहीं होता, या किसी को समझ नहीं, समझ सबको है, प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ आती है कि उसको लिखना कैसे है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग में, जो मैंने आपको बताया वहां से ट्राई करो। हाँ, आंसर राइटिंग के लिए आप कोई भी प्लेटफॉर्म फॉलो कर सकते हो, आंसर राइटिंग के लिए बड़े क्वेश्चन आते हैं, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है या उस पर आप दिन में कर लो। और एक चीज और, जो सब्जेक्ट आपको सबसे बुरा लगता है, जैसे पॉलिटी बच्चों को बड़ी खराब लगती है यार, बड़ी बोरिंग है, बड़ा मतलब समझ नहीं आती कि इसके आंसर राइटिंग कैसे करें, मन नहीं करता, तो ट्राई करो कि जब सुबह उठो ना, तो सुबह उठते ही फ्रेश होके सबसे पहले 2 क्वेश्चन मैंने पॉलिटी के लिखने हैं यार, तो ये स्ट्रेटेजी बनाओ, क्योंकि उस टाइम आप फ्रेश होते हो, आपका दिमाग बड़ा सही चलता है, और जो टॉपिक आपको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा है, आपका फेवरेट है, जब आप बोरियत हो, नींद आ रही हो, तो लिख दो यार 2 महीने क्वेश्चन अभी करने, क्योंकि वो आपका फेवरेट है, इसलिए आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर एक ड्राई सब्जेक्ट आप उस टाइम बैठ गए, जैसे आपने दिन में खाना छाना खाया, तो बैठ गए कि आपने इस पे 2 क्वेश्चन लिखने, तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, कर दो आप लोग, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। सो इस चीज को फॉलो करो, अपना एक पैटर्न बनाओ, आंसर राइटिंग अच्छे से करो, और आंसर राइटिंग करना बहुत जरूरी है, ये तो बेसिक चीज है, मेंस के लिए आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन प्री के बाद मैं नहीं करूंगा रिकमेंड कि आप आज से शुरू कर दो, नो, अभी आप नोट मेकिंग अच्छे से करो, और प्री के बाद आप आंसर राइटिंग अच्छे से करो, सो दैट वे यू कैन एक्सेल इन दैट। हमने आंसर राइटिंग के बारे में डिस्कस किया, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो आपके नजरिए से एस्पिरेंट्स को कब से मॉक टेस्ट देना चाहिए और ये कितना इम्पोर्टेंट होता है? एक्चुअली मैम, मेरे भाई का अलग से रही है थोड़ी स्ट्रेटजी लिखने के लिए, जैसे मैंने प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट करा, मैंने काफी पहले स्टार्ट करा था, मैंने 1 साल पहले अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट करा था, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि इट्स अ स्किल, किसी का स्किल लेवल बेटर हो सकता है तो वो लेट स्टार्ट कर सकता है, बट दोज फॉर नॉर्मल पीपल, राइट, फॉर मी नॉर्मल पीपल, उनके लिए उनको एटलीस्ट 1 ईयर इज इम्पॉर्टेंट, तो उनको स्लो स्लो लिखना है, दे आर नॉट लाइक कि पूरे दिन लिखते रहो, नो, 15 मिनट्स इन द बिगनिंग, 20 मिनट्स, जस्ट 1 आंसर, राइट, बट यू हैव टू स्टार्ट 1 साल पहले। तो आई ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, जो भी कोई लोकल इंस्टीट्यूट होगा टेस्ट सीरीज, और यू कैन राइट द आंसर्स फ्रॉम द
everyday current affairs, right? Like today, if there is National Judicial Commission के ऊपर अगर कुछ चल रहा है, so I can write, मैंने आज पढ़ा और मैंने लिख दिया. जैसे कोई भी स्टडी IQ का वीडियो देखो, कोई भी टॉपिक चल रहा है, right? Write on it. It's very simple. No need to find the questions, right? Just write it. So it's a skill. It takes time. Your mind knows you need to write good answers. It knows the data also. He knows that you have to interconnect. But what is skill? Skill means it takes time. You know, whenever you are improving, your mind will slowly add up to your answer. Every single day it will add up. You know, your mindset will be in such a way after 1 year that he knows. कि भाई क्वेश्चन ये पूछा, फर्स्ट आई हैव टू हिट व्हाट यू नो व्हाट इफ दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन करप्शन, सो विल यू नो डिफाइन सबसे पहले कि भाई करप्शन क्या है, देन टाइप्स ऑफ यू नो कहां कहां पे कैसे कैसे हम रोक सकते हैं, व्हाट एआरसी सेज, राइट? सो ही विल एडजस्ट इनटू दैट, बट द पॉइंट इज इट्स अ स्किल, इट विल टेक टाइम. सो माय फ्रेंड्स, यू नीड टू बी वेरी वेरी यू नो कूल रिलैक्स्ड. इट्स नॉट टू बी नो कि जल्दबाजी में हम एक हफ्ता लिखेंगे तो इम्प्रूव हो जाएगा. नो, इट विल नॉट हैपन लाइक दैट, बिकॉज योर माइंड विल टेक टाइम. बट या इफ योर स्किल लेवल इज वेरी गुड ऑलरेडी, दैट यू आर यू नो यू हैव गुड राइटिंग स्किल्स, देन यू कैन स्टार्ट लेट. बट आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पीपल, राइट? दोज उसकी लेवल इज नॉट, मतलब उनके नॉर्मल स्किल्स हैं, तो उनको एक ईयर से अगर स्टार्ट करेंगे, आई एम सो श्योर दैट आफ्टर वन ईयर दे विल राइट लाइक फिनोमिनली well. I mean more than jo baki jin ka acha bhi tha skill level, usse better wo likh sakte hain. So I personally feel that. Answer writing kitna important hai ye aap dono ne hame bataya. Ek bahut hi important aspect jo main mention karna chahti hu, aapka geography optional tha. Map practice, ये हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है, सबसे ट्रिकी पार्ट कहते हैं, बट मैप प्रैक्टिस बहुत ही एक्सटेंसिवली करना होता है. तो इसको किस तरीके से स्मार्ट वे में सेग्रीगेट कर सकते हैं एस्पिरेंट्स? मैप में मतलब मेकिंग के लिए जो भी ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या है कि इसको करंट अफेयर्स के साथ लेके चलो, उनसे सेग्रीगेट मत करो. मैप मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी स्कोरिंग. तो ये आपको बड़े अच्छे मार्क्स दिला सकती है, प्रोवाइडेड कि आप इसको बड़े अच्छे तरीके से करो. अब इसका कुछ पैटर्न नहीं है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये है कि जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में जो भी आया हुआ है मैप के रिलेटेड, उसको आप सारा पिन पॉइंट कर लो. यार ये आया हुआ, ये मैंने याद करना है, पहली चीज तो आपको ये करनी है. दूसरा चीज आपको ये करना है कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ो, उसमें क्योंकि कोई देश रहेगा या कुछ भी कोई भी स्टेट होगा, तो उसको आपने मार्क करना है. आप एक जो मैं करता था, आप एक हाईलाइटर का यूज करो जो एक सिर्फ इसके लिए रखा हो कि ये वाले कलर का वो है हाईलाइटर, इससे मैंने वही मार्क किया जो मेरा करंट अफेयर्स में जो भी मेरे को आएगा टॉपिक में, वो मैंने यहाँ पे मार्क कर देना, कोई देश या कोई स्टेट. तो लेट अस सपोज कोई ऐसा आता है कि ये वाले सी में अभी नई वाली मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू होने वाली, तो उस सी को आप हाईलाइट कर दो. ऐसे आपने क्या करना, उसको हाईलाइट करो और उसको साइड में रख दो और अपना पढ़ते रहो. 10 दिन के बाद वो आपने खोलना है, फिर से आपने देखना है कि आपके मैप पे 10-12 जगह आपने हाईलाइट कर दी होंगी. फिर आपने उसको ना स्टडी करना है, उसके बाद स्टडी करना है. ऐसा नहीं करना कभी भी कि एक को हाईलाइट किया उसी को स्टडी करने बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं. टेक योर टाइम, 10 दिन लो, 10 चीजें आ जाएंगी. उसके बाद एक चीज को हाईलाइट जो आपने किया होगा उसको ना स्टडी करो कि इसके अराउंड बॉर्डर्स, जैसे कोई देश है, अगर कोई भी कंट्री है, तो उसका थोड़ा पास्ट पढ़ लो, इसके पास्ट में क्या रहा, उसके बॉर्डर्स किस किस देश के साथ लगते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है. कोई उसका ऐसा मतलब बॉर्डर तो नहीं है जो कॉन्फ्लिक्ट में है किसी के साथ, अगर है तो उसको थोड़ा स्टडी कर लो. अगर कोई ना रिवर का नाम आता है या कोई ऐसी चीज पे जिस पे नई डैम बन रही है, वो आप हाईलाइट कर लो. हाँ, एक चीज और, जो भी आप ये ना हाईलाइट करोगे इन रिलेशन टू इंडिया, उसका इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो आपको फायदा करेगा मेंस एग्जाम के लिए भी. तो जब आप मैप पढ़ोगे तो आपकी दोनों चीजें साथ साथ में तैयार होती जाएंगी, और यही चीज आपको फायदा भी देगी डायग्राम बनाने के लिए, जो इसने बोला इनोवेट एंड क्रिएट, वो आप वहीं से कर पाओगे. तो आपको वैसे वो करने मैप में, इसके लिए अलग से बैठना नहीं, अलग से नहीं करना सारा कुछ, ये साथ साथ में करना. दूसरी चीज ये है, इंडिया का मैप तो आपको डिटेल्ड में आना चाहिए, मतलब कि कहीं से अगर वो उठा भी है कोई लाइन, तो वो क्यों उठी है, वो कहाँ जाता है, वो पता होना चाहिए. क्योंकि यूपीएससी को ये आदत रहती है कि जो कोई साइड से निकली हुई लाइन हो, या पीसीएस में ये रहता है जो कोई मतलब साइड से हो, तो वहां पे लास्ट में पॉइंट को वो करें कि यहाँ पे क्या बताओ, तो
वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, वर्ल्ड का मैप भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस कई बार क्योंकि इंडिया में आता है तो कई बार ऐसा होता है क्योंकि हमारा जो यहाँ पे ना पीसीएस रहा है उसमें वर्ल्ड का वर्ल्ड में भी आती थी मैप मेकिंग, सिर्फ इंडिया में नहीं आती थी, तो फिर हमें वर्ल्ड का भी कुछ कुछ याद करना पड़ता था, लेकिन अभी तो सिर्फ इंडिया में आती है यूपीएससी में, तो उनके लिए तो यही है कि आप इंडिया का मैप पूरा डिटेल्ड इतना याद कर लो कि आपको रात को सोते हुए भी कोई बोले कि आंखें बंद करके बनाओ तो आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो रह जाए, तो ये इम्पोर्टेंट है मैप मेकिंग के लिए। आपने बहुत ही एक्सप्लिसिटली बताया कि मैप को किस तरीके से टैकल करना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको गेम चेंजर माना जाता है, एसे पेपर। आप क्या राय देना चाहते हैं एस्पिरेंट्स को, क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए एसे पेपर के लिए? देखिए मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल द चॉइस ऑफ एसे राइट इन द पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर व्हेनेवर यू चूज एन एसे इट शुड बी लेस फिलोसफिकल, मोर लाइक अ साइंटिफिक, राइट? देन ओनली यू कैन एक्सप्लोर एंड पीपल विल आल्सो द एग्जामिनर विल आल्सो सी कि हाँ इसमें कुछ कंक्रीट है। When you go on the philosophy, it's okay. But then philosophy, your philosophy should also match with the examiner's philosophy. Then only we'll get the marks, right? So there is, you know, less chance. The point is you have to find an essay which is scientific, right? Just mein aap kuch likh pao. So agar in if you're lucky so bad ki aisa kuch essay aaya hi nahi, then you have to attempt the philosophical, but it should be in your least priority, right? This is my personal view. The second thing is how to write the essay. So For me, I did not did anything, something अलग से कुछ नहीं करा, जो मैं करंट अफेयर्स के आंसर लिखता था ना डेली, ठीक है? सो वेन यू लुक बैक कि भाई मैंने जनवरी में कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, तो उसमें एक अप्रोक्सीमेटली काफी अच्छे उसके ऊपर एडिशंस हो चुकी होती है दो तीन महीने में, राइट? सो यू कैन राइट एन एसे ऑन दैट। It's like you know there is a topic like cooperative federalism, competitive federalism, right? Cooperative and competitive federalism, two different aspects. The question was, the essay was also asked in UPSC also. So you can write, okay? So you can write the provisions. So this way your GSE is also being improved, right? Your answer writing skills are also improved. Your essay skills are also being improved. Now the third point which I need to put emphasis on is the time management, right? Whenever you are writing an essay, you should also have that in mind ki whenever you are writing an essay, first thing, make a blueprint out of it, right? You have a lot of time in the paper, so utilize it. Here you are not ki time kam hai, you have ample amount of time, but utilize it in a good way, right? So the starting mein aapne ek wo banana hai, brainstorming karni hai, theek hai, jo bhi topic diya hai uske sare ke sare dimensions khol dene, economically, politically, socially, matlab the dimensions, you need to open all the dimensions while you are brainstorming it, open it, theek hai, pura bana diya, uske baad aap answer essay start kijiye, ठीक है? बट द पॉइंट इज उसमें एक फ्लो होना चाहिए, ये नहीं कि अब्रप्ट एंडिंग देन स्टार्टिंग, अब्रप्ट एंडिंग देन स्टार्टिंग, नो, है ना? इट शुड बी लाइक अ फ्लो। फ्लो आपको कैसे आएगा? जब आप एसेस को लिखोगे ना, देन यू विल गेट दैट फ्लो कि भाई लिंक में है, ठीक है, सिंक में है, दिस इज समथिंग, जो आंसर लिखेंगे ना एसे को, दे विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, राइट? सो आई थिंक इफ दे डू सफिशियंट प्रैक्टिस इवन आफ्टर देयर प्रीलिम्स, I think if you write approximately, अगर आपने पूरे साल answers लिखे हैं, तो 7 से 10 essay आप लिख लीजिए, I think they are more than enough for writing the essay paper, right? And you are right, it is game changer. You never know. I want to add here something. मेरा जो 2016 वाला attempt था ना PCS का, when I get my marks card, तो I have got good in every subject, in interview also, except my essay. मेरे एसे में 6 से 7 नंबर शायद कम थे, मैं उसी से रहा हूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैम बिल्कुल राइट पॉइंट आउट किया है कि एसे कैन बी अ गेम चेंजर, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, सो आई कैन शेयर माई स्टोरी विद यू। और मैं एक चीज आपको यहाँ बोलूंगा कि जब भी आप एसे लिखे ना, तो 5-6 वर्ड्स लिख लो, सोशली, पोलिटिकली, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, सिक्योरिटी, ये पॉइंट्स लिख लो, वुमेन, चाइल्ड, राइट ऑल दैट पॉइंट्स। जब भी एसे लिख रहे हो सोचो ऐसे का कोई इफेक्ट यार वुमेन पे तो नहीं है, अगर है उसमें टॉपिक का तो लिख दो उसके बारे में, चाइल्ड्स पे तो नहीं है, मतलब डाउन रॉडन जो है हमारी कम्युनिटीज उन पे तो कोई इफेक्ट नहीं है, एस सी एस टी पे तो नहीं हो रहा, सोशली क्या हो रहा है, तो पॉलिटिकली क्या हो रहा है। और जब आप इसका इसको देंगे कि इसके व्हाट आर इट्स सॉल्यूशंस, तो वो भी आप लिख सकते हो सेम वे में, तो वो आपको बड़ी हेल्प करेंगे चीजें। कीवर्ड्स को हमेशा माइंड में रखना है। और मुझे अभी एक चीज मैं और करना चाहता हूँ शेयर, क्योंकि मुझे अभी याद आई, मेरा भाई तो एसी था, तो ये तो था भोपाल में और मैं यहाँ पे था जम्मू में, तो मैंने उसको एक बार बोला कि यार मैं आंसर राइटिंग ना शुरू कर रहा हूँ, तो मेरे को समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ।
तो मुझे इसने बोला कि कोई बात नहीं भैया, मैंने एक पेज बनाया है अपने लिए, जो कि मैं ओवर द टाइम जो मैं आंसर राइटिंग करते आ रहा हूँ अप टू, मुझे लगता है इसने पिछले 1-1.5 साल से ही आंसर राइटिंग कर रहा था, क्योंकि इसका मेन एम था और मैं तो इंजीनियर था, तो इसने मुझे मोटिवेट किया, तो मैंने अपनी तैयारी शुरू की। तो उसके बाद इसने मुझे एक पेज भेजा था, अगर जो भी वो पेज है मैं उसको उसकी पिक जरूर डालूंगा, क्योंकि मुझे अभी याद आ रहा है वो पेज, मैं उसको ना ढूंढूंगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 1-1.5 साल की इसकी मेहनत थी। उस पेज में इसने क्या लिखा था कि हाउ टू राइट अ मेंस आंसर, कि आपको जब भी एक मेंस का आंसर लिखना है तो कौन कौन सा माइंड में आपने चीजें सोच के वो आंसर लिखना है, व्हाट व्हेन हाउ वेयर द कॉन्सिक्वेंसेस द रीजंस ऑल दैट, इसने बड़ा एक अच्छे से ना छोटे से पेज में इसने मुझे वो वहां से ना मतलब फोटो किया और मेरे को व्हाट्सएप किया कि भैया ये पेज का प्रिंट आउट लो और जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो इसको काट के अपने पास रख लो, इसको देखते जाओ और लिखते जाओ। तो वो चीज ने मेरे को बड़ी हेल्प की, और वही मतलब जो मैंने आपको बताया कि एक ना डायग्राम बना लो साइड पे, वो वही चीज थी। सो दैट वे इट हेल्प्स अलॉट। और हमारा एक ना यूट्यूब चैनल भी है माई बीस्ट लाइफ करके, वहां पे मैं ये इसका वो डाल दूंगा लिंक, और मैं ट्राई करूंगा कि ना स्टडी आईक्यू पे भी मैं ये डाल दूं, ताकि वो आपको यार हेल्प हो, क्योंकि उसने मुझे बड़ी हेल्प की है पर्सनली। इसके लिए वो एक मेहनत थी, इसने वो चीज बनाई थी अपने लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे बड़ी हेल्प की है। और यही मैं ऐड करूंगा कि ऐसे सही में गेम चेंजर है, ट्राई करो कि आप एक अच्छे से एक अच्छा एक ऐसे लिखो, और ऐसा नहीं है मतलब ये नहीं सोचना कि ऐसे का मतलब वही 10th 12th वाला, वो ऐसे नहीं होता, ये अलग होते हैं। इसके लिए आपको डाटा भी चाहिए, हर चीज चाहिए, डाटा शीट बनाओ, डाटा एक हमने पूरी बनाई थी डाटा शीट। कोई भी हम एक ना टॉपिक बनाते थे, हम क्या करते थे कि जैसे मैं कुछ ना डिपार्टमेंट्स रख लेता था और कुछ डिपार्टमेंट्स इसको दे देता था कि यार तू इन पे डाटा ढूंढ, मैं इस पे डाटा ढूंढूंगा। तो हम एक फैक्ट शीट बनाते थे, फिर वो हम जब आंसर राइटिंग करते तो हम वो डाटा डालते थे, उससे क्या होता है कि लगता है एग्जामिनर को कि यार कुछ है, इसको पता है कुछ, ऐसे नहीं लिख रहा ये कि हवा हवाई बातें नहीं लिख रहा, ही हैज द डाटा टू बैक इट अप, तो उससे आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो दैट वे यू कैन गो। थैंक यू। आपने एसे को टैकल करने के बहुत अलग डायमेंशंस दिए, और मुझे लगता है जितने भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं उन्हें बहुत फायदा मिलेगा इससे। सचिन और साहिल आपसे पूछना चाहते हैं, आप और आगे आने वाले एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैम मैसेज इज वेरी क्लियर कि जैसे हमने पास कराया आप भी करें, और क्योंकि अगर आपने 3-4 साल इसमें इन्वेस्ट करे हैं तो यू विल फील सेटिस्फेक्शन, राइट? तो आप अगर करेंगे यू विल फील यू नो दैट सेल्फ, यू नो यू विल फील कि भाई मेरी भी कुछ सेल्फ आइडेंटिटी है, राइट? और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अब नाउ यू एक्चुअली हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस कि आप लोगों की मदद कर सकते हैं। यू नो व्हेन वी आर नॉट सिलेक्टेड वी कैन से व्हाटएवर थिंग्स वी कैन, बट उसकी इतनी वेटेज नहीं होती और इसका इंपैक्ट नहीं होता। इनफैक्ट व्हेन आई वाज अ बिगिनर, व्हेन आई यूज्ड टू सी समवन कोई सीनियर बता रहा है, आई डिड नॉट टेक इट सीरियसली, बट व्हेन अ टॉपर सेज दिस यू टेक इट सीरियसली, राइट? सो नाउ यू हैव द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द अदर माइंड्स एंड हेल्प देम सक्सीड, right? This is also a social service you can do. So this is the message: clear yourself, then help others, they will clear, and this way the chain goes on. It's very famous chain, and I think we should go by that only. And the next important thing, ma'am, secondly, negativity, right? Whenever people are studying for this huge long exam, we did not had matlab maine is bare mein baat nahi kari, but yes, the mental blockage, luggage, negativity, depression, anxiety, everything, I had it, right? But the point is, you should know ki this is the part of your journey, right? Take it easy, this will happen to everyone, this is the thing, this is required, okay? That will increase your performance. So your mental health need to be with you. You nobody will tell you in the coaching institutes, everyone will say do this, nobody will say ki bhai take care of your mental health, right? So the first thing, as I told you earlier, that you yourself clear it, then help others, and then you can also help the society in other different ways, right? The first thing. Secondly, take care of your mental health. If you are depressed after failures, it's completely okay. Learn from that, move on. My brother is the real example. He failed it, he cleared it, right? I took it in the first and I cleared it. I failed in a lot of other exams, right? So the point is, failed people also clear it. Take care. The first timers also clear it. So no need to create unnecessary myths, right? Unnecessary myths in your mind ki aise aise hota hai, engineer cannot take this subject, this subject is, you know, coming in the exam, to isko number mil raha hai. Matlab take, just filter everything out, just focus on one thing, that your mental health need to be with you,
एंड एंजॉय द स्ट्रगल दैट्स इट साहिल आप कुछ ऐड करना चाहते हैं मैम मैं तो बस इतने बोलूंगा कि इतना मतलब हमने ना बता दिया मैसेज हमें जो आपके इतने फॉलोअर्स हैं वो उनको आपको ना करना चाहिए कि व्हाट मैसेज दे आर गेटिंग फ्रॉम ऑल दिस तो अगर इसको तीन लाइन में ना सम अप करना हो तो माय फ्रेंड्स पहला है आपको ना रीडिंग अच्छे से करनी है नोटिंग बहुत अच्छे से करनी है फिर माइक्रो नोटिंग करनी है और लास्ट में आपको आंसर राइटिंग करनी है ये चार चीजें आप करो आराम से काम रहो देखो जिनके पास टाइम है और ना रिसोर्सेज हैं उनको तो कोई भी टेंशन लेने की नहीं है जरूरत जो थोड़े मेरे जैसे मेरे एज थोड़ी ज्यादा हो गई है तो अगर उनको कोई ना बैकअप प्लान चाहिए दे कैन टेक अ बैकअप प्लान बट ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दो पढ़ाई करना अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखो पढ़ाई करते रहो और आपका जरूर एक दिन आएगा कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा और हम दोनों से अगर आपको ना कनेक्ट करना हो हमारा यूट्यूब हैंडलर है माई बीस्ट लाइफ करके यू कैन कनेक्ट ऑन दैट FB पे कर सकते हो कनेक्ट और इंस्टा पे कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चन होगा कोई भी क्यूरी होगी यू कैन टेल अस हमें कमेंट में बताओ हम उसका जरूर आंसर देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक बंदा आगे बढ़े यार सिंपल सी बात है क्योंकि हमने बड़ा स्ट्रगल किया तो हम चाहते हैं कि इन एनी वे जो भी हमसे हेल्प हो पाएगी हम करेंगे थैंक यू सो मच सचिन और साहिल आपने बहुत ही सुंदर बातें की बहुत सुंदर मैसेज दिया बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ स्टडी IQ पे आज जुड़ने के लिए और आपको आपके आने वाले जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच